गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। प्रीवियस पीरियड में हमने एक्सरसाइज 8.1 के एक्सरसाइज 5 तक हमने सम्स क्लियर किए थे, जिसमें डेसिमल वाले सम्स थे, जिसमें हमें डेसिमल्स रिमूव करने थे, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने थे। ओके, तो अभी हमारा एक्सरसाइज 8.1 की एक्सरसाइज 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। हमें जो क्वेश्चन है वो mm मिलीमीटर में दिया है, जिसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें पहले फॉर्मूला पता होनी चाहिए कन्वर्ट करने की, कि 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला सभी सम में यूज होगी। ओके, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। नंबर 1 है, पहले फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज यूजिंग डेसिमल्स, और हमें ये जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, हमें मिलीमीटर में दिया हुआ है, जिसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सारे सम्स हमें mm में दिए हैं, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, आपको हर बार ये फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। देयरफॉर 2 mm इज इक्वल टू 2/10 इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से सब में हमें ये 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर की फॉर्मूला अप्लाई करनी कंपलसरी है, क्योंकि इस तरह के फॉर्मूला का भी हाफ मार्क्स होता है। अगर 1 मार्क्स का सम है तो हाफ मार्क्स ऐसे फॉर्मूलाज का भी होता है। ओके, तो फर्स्ट का आंसर है 0.2 सेंटीमीटर। ओके, 2 mm, वी नो दैट 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। Therefore, 2 mm is equal to 2/10 is equal to 0.2 सेंटीमीटर। देखो, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी कहा है कि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है 30 mm, तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे 1 mm। हर बार लिखने से फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगी आपको। 30 mm इज इक्वल टू 30/10 सेंटीमीटर, 0 0 कट, तो आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नंबर 3, 116 mm किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। पर उसके पहले हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। Therefore, 116 mm is equal to 116/10 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा 11.6 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है, तो 10 की प्लेस पर डेसिमल लगेगा आफ्टर 1 डिजिट, तो 11.6 सेंटीमीटर। नाउ 4 सेंटीमीटर एंड 2 mm, तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 2 mm इज इक्वल टू 2/10 होगा, पर हमें 4 भी दिया है, तो आंसर आएगा 4.2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सेंटीमीटर
सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, इसलिए हम उसको आगे लिख देंगे और इसका 2/10 का जो 0.2 है उसको अटैच कर देंगे, तो आंसर आएगा 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था हमारा 2 mm, तो उसका आंसर आया 0.2 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर 30 mm, जिसका आंसर है 3 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर 116 mm, जिसका आंसर आया 11.6 सेंटीमीटर। और फोर्थ नंबर में सेंटीमीटर और mm दोनों हमें दिया है, तो सेंटीमीटर को हमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ mm को कन्वर्ट करके सेंटीमीटर को आगे एज इट इज दिखा देना है। तो 2 mm का होगा 2/10 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा 4.2 सेंटीमीटर। ओके, अभी और दो सम्स हैं इधर। नंबर 5 है 162 mm, एंड 6 नंबर है 83 mm। बहुत इजी है, दोनों mm में ही दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्ट उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड बाय 10 करके। पर इसके लिए हमें ये फॉर्मूला दोनों में लिखनी पड़ेगी कि 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। इधर भी लिख देते हैं, देयरफॉर ये तीन डॉट का मतलब होता है देयरफॉर 162 mm इज इक्वल टू 162/10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ 10 है तो 10 की प्लेस पर मतलब आफ्टर वन डिजिट पॉइंट लगेगा 16.2 सेंटीमीटर। सी नंबर 6 83 mm, तो हम ये फॉर्मूला पहले लिखेंगे कि 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, देयरफॉर 83 mm इज इक्वल टू 83/10 सेंटीमीटर, तो 8/3 सेंटीमीटर। ओके, तो चलो थर्ड नंबर का आंसर आया, क्वेश्चन था 116 mm, तो उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो हमारा आंसर आया 11.6 सेंटीमीटर। फिर फोर्थ नंबर 4 cm 2 mm, जिसका आंसर आया 4.2 सेंटीमीटर। नंबर फाइव है 162 mm, तो उसका आंसर आया 16.2 सेंटीमीटर। और द लास्ट नंबर 6 83 mm, तो जिसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो उसका आंसर आया 8.3 सेंटीमीटर। ये हमें mm मिलीमीटर में सम्स दिए थे, जिसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था उसके लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई की 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ओके, अब हम एक्सरसाइज 7 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7,
जीरो से लेकर 12 तक नंबर्स नंबर लाइन पर हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ओके, तो हम पहले नंबर्स मेंशन कर देंगे, 0 से लेकर 12 तक नंबर्स नंबर लाइन पर मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.8, सेकंड नंबर 5.1, थर्ड नंबर 2.6। ओके, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं हम पूरा। बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाइन, मतलब ये जो नंबर्स दिए हैं वो कौन से दो होल नंबर के बीच में आए हुए हैं। और सेकंड आंसर क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर द नंबर, मतलब हमें यहाँ दो आंसर लिखने हैं। एक तो कि ये जो नंबर दिया है वो कौन से दो होल नंबर के बिटवीन आया है, और दूसरा वो कौन से होल नंबर के नियरर है। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, जैसे 0.8 है तो वो ऑब्वियसली आपको 0 और 1 के बिटवीन होगा, तो हम ऐसे बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन 0 to 1। ओके, 0 और 1 के बिटवीन है, और नियरर किसको किसके हैं, नियरर है ये 0.8 है, मतलब 1 के नियरर है। ओके, इट इज नियरर टू 1। यह जो नंबर दिया है, पहले हमें इसके दो दो आंसर लिखने हैं। पहला आंसर लिखना है कि कौन से दो होल नंबर के बिटवीन ये नंबर आया हुआ है, और सेकंड थिंग जो दो होल नंबर हमने लिखे कि ये दो होल नंबर के बीच में ये नंबर है, तो दूसरे में वो दो होल नंबर में से कौन से होल नंबर के नज़दीक में है, ये नियरर है, तो 0.8 था जो 0 और 1 होल नंबर के बिटवीन है, पर नियरर है वो 1 नंबर के। ओके, सी नंबर 2 5.1, तो ये बिटवीन के लिए मैं बी लिखती हूँ और नियरर के लिए मैं एन लिख रही हूँ। पहली बार मैंने पूरा लिखा है, अब मैं बिटवीन के लिए बी और नियरर के लिए एन लिखूंगी। तो 5.1 कौन से दो नंबर के बिटवीन है, 5 and 6, 5 and 6, यहाँ पर भी 2 के बजाय एंड कर देती हूँ मैं। अब 5.1 किसके नियरर है, 5 के नियरर है, बराबर 6 तक जाने के लिए तो उसे बहुत आगे बढ़ना है, 5.2, 5.3, 5.4, इसलिए 5.1 नियरर है 5 के नियरर है। ओके, नाउ नंबर 3 है 2.6, तो ये बिटवीन कौन से दो होल नंबर के है, 2 and 3, और नियरर किसके हैं, 3 के नियरर, 2.5 मतलब एकदम बिटवीन नंबर, और 2.5 से एक स्टेप आगे है मतलब वो 3 के नियरर है। फिर से समझ लो कि 0.8 है वो 0 एंड 8 के बिटवीन है, और नियरर है 1 के। 5.1 है वो 5 एंड 6 के बिटवीन है, और 5 होल नंबर के नियरर है। थर्ड नंबर 2.6, 2 और 3 के बिटवीन है, और नियरर है 3 होल नंबर के। नाउ नंबर 4, 6.4, 9.1, एंड 6 नंबर है हमारा 4.9। देखो नंबर 4, 6.4, 6 और 7 के बिटवीन है, तो बिटवीन के लिए लिख दे कि ये है 6 एंड 7 होल नंबर के बीच में 6.4 आया हुआ है। अब नियरर किसके हैं, ये कौन से होल नंबर के नियरर है, 6.4 मतलब 6 के नियरर है वो। ओके,
सिक्स। नाउ 9.1, कौन से दो होल नंबर के बिटवीन है? 9 एंड 10। और नियरर किसके हैं? 9.1 मतलब वो 9 के नियरर है। 10 तक जाने के लिए तो उसको बहुत अभी आगे बढ़ना बाकी है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो 9.1 है 9 के नियरर। नाउ लास्ट नंबर 4.9, तो 4.9 4 और 5 के बिटवीन में है, 4 एंड 5। और नियरर किसके हैं? 4.9 है, मतलब वो एक ही पॉइंट आगे बढ़ेगा तो वो 5 में पहुंच जाएगा, तो वो नियरर है 5 के। ओके, फिर से सबके आंसर देख रहे हैं हम। फोर्थ नंबर 6.4, बिटवीन 6 एंड 7 एंड नियरर 6। फिफ्थ नंबर 9.1, बिटवीन 9 एंड 10 एंड नियरर 9। सिक्स नंबर 4.9, बिटवीन 4 एंड 5 एंड नियरर 5 होल नंबर। अब एक्सरसाइज 8 करेंगे। एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज 8, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो सबके लिए हम अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले, इसके पहले हमने जो टॉपिक सॉल्व किया वो इसमें यूज होगा कि 0.2 नंबर कौन से दो होल नंबर के बिटवीन में आता है, तो 0 एंड 1। ओके, तो 0 और 1 के बीच में 10 कट लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये 0.2, तो ये 0 है, 0.1 और यहाँ आएगा 0.2। ओके, नाउ नंबर सेकंड 1.9, तो 1.9 है वो 1 और 2 होल नंबर के बिटवीन आता है, तो नंबर लाइन पर हम 1 एंड 2 होल नंबर लिखेंगे और उसके बीच में 10 हम कट मार्क करेंगे। वन है फिर वन पॉइंट वन, इस तरह से हम करते जाएंगे कि वन पॉइंट वन, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9। अब हमें 1.9 लिखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर आएगा 1.9। ओके, नाउ थर्ड नंबर है 1.1, तो वो 1 और 2 होल नंबर के बिटवीन में आएगा, तो 1 और 2 के बीच में 10 कट मार्क मारेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 1.1 मतलब यहाँ पर ही आएगा, 1 के नियरर 1.1। इस तरह से दिए हुए डेसिमल्स को हमें नंबर लाइन पर शो करने होते हैं। 0.2 है तो वो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से दो होल नंबर के बीच में आता है, तो 0 और 1 के बीच में आता है, तो 0 और 1 लिखेंगे, बीच में 10 कट मारेंगे, कोई भी दो होल नंबर के बीच में 10 कट मार्क्स करेंगे हम, और 0.1, 0.2
यहाँ पर सर्कल करके दिए हुए नंबर को हम शो कर देंगे। 1.9 वन और टू होल नंबर के बीच में है और ये नियरर है टू के। 1.9 मतलब एक ही कट बाकी रहता है टू तक पहुँचने के लिए। फिर है 1.1 तो 1.1 वन और टू होल नंबर के बीच में आता है तो वन फिर 1.1 ओके वन के एग्जैक्ट बाजू में आता है 1.1। अब नंबर फोर्थ नंबर में है 2.5 तो 2.5 है वो कौन से दो होल नंबर के बीच में आता है टू एंड थ्री और टू और थ्री के बीच में 10 कट मार्क हमें लगाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ओके। अब 2.5 मतलब 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 टू और थ्री के एग्जैक्ट मिडल में है ये नंबर। और नियरर हमें कहे तो हमें बड़ा नंबर याद रखना है, अगर नियरर पूछे तो 2.5 3 के नियरर है, इस तरह से उसको गिना जाता है ओके। नाउ एक्सरसाइज 9 करेंगे हम। एक्सरसाइज 9 में नंबर लाइन ड्रॉ करके दी हुई है हमें। एक्सरसाइज 9 राइट डेसिमल नंबर्स represented by the points by the points A, B, C, D on the given number line. तो यहाँ जो नंबर लाइन ड्रॉ करके दी हुई है पहले हम वो ड्रॉ कर देंगे। इसमें हमें 0 से 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 ऐसा हमें 3 तक करना है तो नंबर लाइन को एक्सटेंड करनी पड़ेगी हमें। अभी थ्री तक ओके। अब यहाँ ए के दो यहाँ पर है ए नंबर दिया है, फिर यहाँ पर बी और यहाँ पर हमें दिया है डी लेटर दिया हुआ है। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। राइट द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द नंबर लाइन। हमें ए बी सी डी कौन सी प्लेस पर है वो हमें दिखाना है। तो देखो ए तो यहाँ 0 और 1 के बीच में ए आया हुआ है ओके। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ए के लिए क्या लिख सकते हैं 0.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का सिंबल हमें यहाँ पर दिखा देना है ओके। अब बी देखो 1.1, 1.2, 1.3 सेंटीमीटर। बी है 1.3 सेंटीमीटर में। अब सी देखो 2.2 सेंटीमीटर
और डी कहाँ पर है? तीन के एक पहले मतलब 2.9 सेंटीमीटर। ओके, डी के लिए हम लिखेंगे 2.9 सेंटीमीटर। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। ए के लिए आया 0.8 सेंटीमीटर, बी के लिए 1.3 सेंटीमीटर, सी के लिए 2.2 सेंटीमीटर और डी के लिए 2.9 सेंटीमीटर। ये एक कट के लिए हम ऐसे काउंट करेंगे, जैसे 1 के बाद 2 के बीच में 10 डॉट दिए हैं, तो 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और उस तरह से हम इसके आंसर लिखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर भी उसके ऊपर भी उसके नंबर्स लिख दिए हैं और यहाँ अलग से भी हमने ये ए बी सी डी कौन सी प्लेस पर मेंशन है वो भी हमने दिखा दिया है। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम, अभी हमने एक्सरसाइज 9 की है, नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 10 करेंगे। थैंक यू।